Hi everyone! I'm Minaksi Sharma. Welcome you all on my YouTube channel. So, guys, in this video, we will read a chapter from the English Coach class first. The name of chapter is the Traffic Police Woman. Chapter nine. So, before reading this chapter. यू शुड नो अबाउट किरण बेदी सो किरण बेदी वॉज द फर्स्ट वूमन टू जॉइन द इंडियन पुलिस सर्विस सी इज़ ओनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एंड हैज़ वो मैनी अवार्ड्स सो किरण बेदी वॉज द फर्स्ट वुमन ये पहली ऐसी महिला हैं हु जॉइंट इंडियन पुलिस सर्विस एंड सी इज़ ओनेस्ट सी डज हर वर्क वेरी ओनेस्टली सो so, उन वो काफी हार्ड वर्किंग हैं काफी ओनेस्ट हैं और उनके काम के लिए उनको मैनी टाइम अवार्ड्स भी मिला है वैन आभा वेट्स टू क्रॉस अ बिजी रोड सी सीज हु रेगुलेट्स ट्रैफिक एंड कीप्स आवर रोड सेफ Abha wants to know more about her. So, here Abha was there on the way on a busy road. So, she sees there that someone is standing on the road and who regulates. So, here regulates means control. So, someone is standing there to control the traffic and keeps our road safe. आभा वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हर आभा उसके बारे में और जानना चाहती थी सो so, देखते हैं कैसे आभा ने अपनी जिज्ञासा को शांत किया और कैसे उसने उस लेडी के बारे में पता लगाया वाई दैट पर्सन इज स्टैंडिंग देयर ऑन द रोड सो लेट्स स्टार्ट टू डेज वीडियो आभा एंड हर मदर आर वेटिंग टू क्रॉस द रोड एट अ बिजी जंक्सन आभा एंड हर मदर बोथ आर देयर ऑन अ बिजी रोड एंड दे बोथ वर वेटिंग टू क्रॉस द रोड एट अ बिजी जंक्सन सो बिजी जंक्सन मीन्स हेयर द रोड वेयर टू जॉइंट्स मीट्स विद ईच अदर टू और मोर देन टू जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते एक साथ जॉइंट होते हैं सो आभाज आ यंग वुमन वियरिंग अ ब्लू कैप वाइट शर्ट एंड ब्लू कलर ट्राउजर्स सो हेयर आभा नोटिस दैट अ लेडी इज इज स्टैंडिंग देयर एंड सी इज वियरिंग ब्लू कैप अ वाइट शर्ट एंड ब्लू कलर ट्राउजर्स सो आभा मदर हुई इज दैट सो आभा हेयर इज आस्किंग विद हर मदर मदर हुई इज दैट वै कौन है

सी जो ट्रैफिक पुलिस वूमन वह एक ट्रैफिक पुलिस वूमन है एंड सी सीज दैट ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सी इज स्टैंडिंग हेयर टू रेगुलेट्स द ट्रैफिक एंड सी नोटिस दैट एवरी व्हीकल मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स दैट्स वाई सी इज स्टैंडिंग हेयर आभा वाई इज हर हैंड आप लाइक दैट अब वो जो पुलिस वूमन होती है उसने अपना हैंड एक ऊपर उठाया हुआ होता है तो आप कहती है कि उसने अपना हैंड ऐसे उठाया क्यों हुआ है मदर सी स्टेलिंग द व्हीकल्स फ्रॉम वन साइड टू स्टॉप एंड नाउ वी कैन क्रॉस द रोड तो अब उसकी मदर उसको बताती है कि उसने अपना हैंड इसलिए उठाया है कि जिस तरफ से उसने हैंड उठाया उस तरफ से उसने इशारा किया है टू इंडिकेट द व्हीकल्स टू स्टॉप देयर कि इस तरफ से रुक जाओ और जिससे कि हम रोड को क्रॉस कर सकें एज आभा एंड हर मदर क्रॉस द रोड आभा वेव्स चेयरफुली एट द पुलिस वूमन द पुलिस वुमन स्माइल्स एंड वेव्स बैक सो so, आभा और उसकी मदर जैसे क्रॉस करते हैं रोड को तो आभा वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर सो सी वेव्स चेयरफुली हर हैंड एट द पुलिस वूमन वो पुलिस वूमन की तरफ अपना हैंड हिलाती है और पुलिस वूमन ऑल्सो इस्माइल्स एंड वेव्स बैक और पुलिस वुमन भी उसको मुस्कुराते हुए विद अ क्यूट स्माइल सी वेव्स बैक वो भी अपना हैंड आभा की तरफ हिलाती है सो चैप्टर इज फिनिश हेयर लेट्स एक्सरसाइज वर्क हेयर यू कैन सी गाइज दिस इज पुलिस वुमन नाउ टेक द करेक्ट आंसर आभा इज वेटिंग टू क्रॉस द रोड विद हर मदर और अ ट्रैफिक पुलिस वूमन सो द करेक्ट आंसर इज विद हर मदर धैन द ट्रैफिक पुलिस वुमन सीज दैट पीपल क्रॉस द रोड सेफली और ओल व्हीकल्स फोलो ट्रैफिक रूल्स सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ओल व्हीकल्स फोलो ट्रैफिक रूल्स धैन थर्ड वन द ट्रैफिक पुलिस वुमन पुट्स अप हर हैंड टू ट्वेल्व व्हीकल्स टू स्टॉप और ट्वेल्व व्हीकल्स टू गो फास्टर अपना हैंड वो उसने पुलिस वुमन ने क्यों उठाया था टू स्टॉप द व्हीकल्स धैन क्वेस्टन आंसर वॉट कलर वॉज द कैप ऑफ ट्रैफिक पुलिस वूमन सो द कलर ऑफ द कैप ऑफ ट्रैफिक पुलिस वुमन इज ब्लू सी वॉज वीयरिंग अ ब्लू कैप नेक्स्ट इज वेर वर आभा एंड हर मदर वेटिंग टू क्रॉस द रोड सो आभा एंड हर मदर वॉज वेटिंग टू क्रॉस द रोड एट अ जंक्सन जे यू एन सी टी आई ओ एन जंक्शन नेक्स्ट इज वाट डिड आभा डू एस सी एंड हर मदर क्रॉस द रोड जब आभा और उसकी मदर रोड क्रॉस करते हैं सो आभा क्या करती है सो आभा वेव्स हर हैंड चेयरफुली चेयर Fully. Next is third one. R C part. Read the words below. They have the long double E sound. So you can read here these words B, cheese, deep, feet, green, jeep, queen, seed, sheep, and tree. So Question D H here. You need to rearrange the words to make a word that fits the picture. So first one you can make E B E. So you can make it B. That is a B. Second one green and -E -E green. Then third one. What can you make here? Cheese CH double -l -e -s -e. Cheese. Then fourth number this is a tree fifth. queen sixth sheep okay done next is here add ly to the words given in the help box and fill in the blanks so first of all you need to add here ly loudly neatly softly quick quietly and cheerfully then let's see the boy swam in the pool so how can a boy swim in a pool so boy swam in the pool cheerfully cheerfully दे बोथ आर टू हैप्पी न देन सेकेंड करन स्पोक डैश टू द टीचर सो करन स्पोक सॉफ्टली एस ओ एफ टी एल वाई सॉफ्टली देन थर्ड टोबी स्लैप्ट डैश इन हिज कैनल टोवी स्लैफ्ट Q U I E T L Y quietly. Then Tejas laughed des at a joke. So Tejas laughed loudly. L O U D L Y loudly. Then Tanu writes des in her notebook. So how does Tanu writes एन ई ए टी एल वाई नीटली डन द नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंटेंस सर्कल द वर्क इन द सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल प्रेजेंटेंस क्या होता है द वर्क दैट वी डू डेली जो भी काम हम डेली करते हैं दैट इज इन सिंपल प्रेजेंटेंस लाइक I wash my hands before meals. So, daily I wash my hands. So, here, what type of work I do? Wash. So, wash will be circled. Wash. Then, Arun drinks milk in the morning. So, what does Arun uh, do in the morning? He drinks. Milk. So drinks will be verb. Then Saxi reads a book every week. So what does Saxi do every week? She reads. So reads will be circled. Then I eat an apple every day. So what I do every day? I eat an apple. So what type of action I am doing? Eat.

मेरी मदर डेली स्ट्रॉबेरी केक बनाती हैं सो so, स्ट्रॉबेरी केक को क्या करती हैं बेक करती हैं माय मदर बेक्स आई स्ट्रॉबेरी केक फोर्थ इज अ टाइनी बर्ड्स डेस ऑन टू द विंडो सिल सो टाइनी बर्ड्स होप्स होप्स डन Then matchings. Be careful while you cross the road. Do not run. So, do not run. What to match here on the street? Do not run on the Street here be careful on the while you cross the road. Use the footpath so use the footpath when walking. If you are walking on the road, so you need to take footpath. Then cross the road so cross the road only at a Jabra crossing. So matchings are also done. Uh, here you see there is a picture. Look at the picture and circle the correct word. Circle the correct word in each sentence on page number 115. First of all, you look at this picture. There is an old lady with a little boy, and they both are crossing the road at a zebra crossing. So, let's see the exercise. Peter helps his sister, father, or grandmother to cross the road. So, here you see there is a old lady so this old lady is peter's grandmother so peter helps his grandmother to cross the road second one they cross the road at the pavement or jabra crossing or corner so they both cross the road at a jabra crossing then third one they cross the road only after the traffic has stopped and the light is yellow red or green so when we move at the uh, zebra crossing when the light is green green the next stage peter's grandmother has an umbrella और अ वॉकिंग स्टिक और अ रूलर इन हर हैंड सो यू कैन सी हेयर वॉट इज देयर इन हर हैंड इट्स अ वॉकिंग स्टिक सो सी इज होल्डिंग अ वॉकिंग स्टिक सो हेयर द चैप्टर इज फिनिश्ड इस चैप्टर में हमने रीडिंग एक्सप्लेनेशन और ऑल एक्सरसाइज वर्क विथ क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिया है और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें सो so, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय